खूब सेवा कर रहा था, लेकिन जो है ना इन्होंने क्या हुआ पूरा बता दिया। एक लड़का बीमार था, हाँ। इस ट्रेनिंग सेंटर में पिछले एक हफ्ते से पानी नहीं, लड़के बीमार हो जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, ठीक है, एकदम घटिया से हॉस्पिटल में, हम कोई सिविलियन नहीं है, नौकरी लगे हुए लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही किसी भी सिविलियन से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, लड़के रात दिन यहाँ सुबह 4 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है, कोई मतलब नहीं। उस लड़के की 3 दिन से तबीयत खराब, उसको कोई इलाज नहीं, कोई मतलब नहीं। आज उस लड़के की हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वो बेड से खड़ा हो जाए, उसे जबरदस्ती ग्राउंड पे बुलाना, जबरदस्ती बेकार उसी हॉस्पिटल में भेज देना, उसके माँ बाप आए लेने के लिए, वो हाथ जोड़ते रहे, हाथ जोड़ते रहे और उनको गाली देके भगा दिया कि जाओ यहाँ से निकलो तुम, उनको गाली देके भगाया गया, ना कोई इंसानियत जैसा व्यवहार, ना कुछ, बस ऐवे धक्का पेल चल रही थी। यहाँ वो लड़का आया, उसके बाप चाचा को धमका के उल्टा भेज दिया गया, वो लड़का मर गया जी, वो लड़का मर गया, और जिसने माँ बाप के साथ बदतमीजी, सारा सिस्टम सब करप्ट, कोई हिसाब नहीं जी यहाँ पे, मार पिटाई जो देखो वो हिसाब, गंदी गाड़ी ना पानी ना बिजली ना कुछ भी नहीं, पानी नहीं आ रहा, 25-25 लड़के एक बैरिक में रख रखे हैं, जिसमें सिर्फ 10 से 12 या 15 मैक्सिमम रहने की स्थिति हो, उसमें 25 लड़के रह रहे हैं, कोई नहाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो लड़का यहाँ तड़प के मर गया, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा, एक बूढ़ी माँ है जी उसके घर में, बाप भी नहीं उसका, उसका बाप भी नहीं है, उससे पूछो क्या करना है जीवन में, माँ की सेवा करनी है भाई, मेरे से लंबा था, चाहे बुढ़ दो इंच मेरे से लंबा था वो लड़का, ये हालात है यहाँ पे जी, और कुछ नहीं जी, बस देख लीजिए ये मेरा, उसको हीट स्ट्रोक हो रही थी बहुत ज्यादा, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ना तो पानी की सुविधा है, ये बताया जा रहा है कि पीने का 7 दिन का पानी नहीं है, पीने का ऐसा पानी नहीं है, उसको बैक्टीरिया पानी में कुछ नहीं है, बिल्कुल अंदर से इतना हीट स्ट्रोक हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, एडजस्ट करो जितना हो सकता उतना एडजस्ट करो, पूरा एक हफ्ता एडजस्ट करते होगा, ये बंदा मरा है, कमांडो की ट्रेनिंग में भी बंदे नहीं मरते, आपने देखा होगा, तो ये नॉर्मल हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, ये हाल कर रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस में बिना पानी के खून कैसे फैलेगा पाएगा। और सुबह से 1 बजे मिल के गया, कह रहा था कि भाई मुझे सांस नहीं आ रही, भाई मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं, मैं कहा भाई पानी लाऊं, क्योंकि मुझे जान नहीं दे रहे, बाहर नहीं जान दे रहे, मुझे सांस नहीं आ रही। उसके मम्मी पापा, उसके पापा तो है ना, उसके वो अंकल आए थे, उसको लेके गए हैं वहाँ पर, उसको तब भी नहीं जान दे रहे, गाली देके भगा रहे हैं। मैं सुबह से दो बार ताऊ जी आए थे उनके, उनको भी गाली देके मारपीट करके भगाया, गाली देके भगा दिया, जब लास्ट सांस बच गई, जब उसको कह रहे कि जाओ अब तुम हॉस्पिटल ले जाओ। डेमोक्रेटिक देश में जी रहे सर, इधर अराजकता फैला रखी बिल्कुल, जो ये बोल रहे इनकी चलेगी, हम तो बिल्कुल जैसे ह्यूमन बींग है ही नहीं, नहीं आप लोग, आप लोग देश की सेवा करने वाले लोग हो, और आप लोग आप अंदर चलो, बच्चे इतने परेशान है, हम बताएंगे क्रिमिनल को भी रात के 12 बजे हम निकाल के दे भेजते हैं, इधर दिखाओ, इधर इधर इंस्पेक्टर जी को कुछ बंद है, तो ये कहते हैं कि क्या तुम्हारा कुछ नहीं है, इधर दिखाओ, आओ आप इधर से आओ, चलिए कोई बात नहीं, आज यदि हमें भी सजा मिलेगी तो सजा के लिए हम भी तैयार हैं, क्योंकि देख लीजिए कि ये बच्चे देश की सेवा करने वाले हैं, और ये आगे से चला दो, आगे रास्ता है, ये देश की सेवा करने वाले हैं, और खाकी तन पे धानने का इनका जुनून है, यही बात रख लीजिए, आप यही रख लीजिए, मान लो बात।
बंदों को फॉलो करा के कह रहे फॉलो करो परेड करो परेड करो।